हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे ये धोती पैंट। और इस धोती पैंट का साइज़ स्क्रीन पे है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक। ये मैंने पेपर के 2 पीसेस कट किए हैं, स्क्वायर पीसेस है। विड्थ 43 इंच लेनी है हमें और लेंथ भी 43 इंच लेनी है फैब्रिक की। और जैसे ये पेपर स्क्वायर में कटिंग किए हुए है, इसी तरह से हमें फैब्रिक भी कट कर लेना है। ये मैंने फैब्रिक कट कर लिया है जिसकी विड्थ भी 43 इंच है और लेंथ भी 43 इंच है। और ये डबल लेयर में है, मीन्स दो पीसेस है स्क्वायर के, देखिए। अब इन दोनों पीसेस को ऐसे फोल्ड कर लेना है। जैसे मैं पेपर फोल्ड कर रही हूँ, वैसे ही हमें फैब्रिक भी फोल्ड कर लेना है। ये मैंने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, देखिए। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद हमें 4 लेयर्स मिलेंगी, जैसे इस पेपर में 4 लेयर्स आई है। और अब इस कॉर्नर पे 6.5 इंच लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि धोती पैंट की बॉटम साइड होगी। फिर इस लाइन से हमें लेंथ वाइज 36 इंच पे मार्क करना है। 37 इंच रेडी है लेंथ धोती पैंट की। फिर उसमें से 2 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे, तो 35 और 1 इंच स्टिचिंग के लिए। और फिर मार्क करके ऐसे स्लोप में लाइन ड्रॉ कर लेनी है कॉर्नर तक, और फिर मार्किंग पे कट कर देना है। आफ्टर कटिंग ये देखिए। अब इस कॉर्नर पर सीट के लिए हम 12 इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सीट की टोटल लेंथ 14 इंच है, उसमें से 2 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे, तो 12 इंच बचेगी। सो 12 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि कॉर्नर से 8.5 इंच पे है। फिर मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। ये सीट कट हो चुकी है और ये इस साइड प्लीट्स डल जाएंगी। ये बॉटम को भी कट कर लेना है। अब दो लेयर्स को लेके और स्टिच कर लेंगे और इस साइड भी स्टिच कर देंगे। ये देखिए स्टिच हो चुकी है, ऐसे स्टिच कर लेना है। देन ये जो बॉटम का पार्ट कट किया था, इसे भी फोल्ड करके स्टिच कर देना है। ये बॉटम भी स्टिच हो चुकी है, देखिए। और अब मैं इसे अरेंज कर रही हूँ उसी तरह से जैसे हमने इसे कट किया था, ये देखिए ऐसे। अब बेल्ट के लिए मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, 4.5 इंच विड्थ है इसकी और लेंथ वाइज मैं इसे 42 इंच ले रही हूँ, 38 इंच हिप साइज के लिए। फिर इसका एंड स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग मैं इसे फ्रंट का मिड पार्ट रख रही हूँ, तो ये बैक के मिड पार्ट पे मैंने मार्क लगा लिया है। फिर यहाँ हम साइड्स के लिए मार्क लगा देंगे, ये देखिए। ये फ्रंट मिड हो गया और ये साइड्स हो गई दोनों। अब फ्रंट के मिड पॉइंट को ये जो स्टिच किया था हमने, इसके साथ अटैच कर देना है, जो सीट वाला पार्ट था। फिर जो कॉर्नर वाला पार्ट आएगा उसे साइड में अटैच कर देना है। और फिर सीट की स्टिचिंग का जो पार्ट आएगा उसे बैक पार्ट के मिड में अटैच कर देना है। और इस साइड कॉर्नर को अटैच कर देना है। ये देखिए ऐसे अटैच कर लेना है, ये मिड पार्ट और ये साइड्स जो है दोनों, ये देखिए ऐसे अटैच कर लेना है। फिर बॉटम पार्ट को ऐसे प्लीट्स डालते हुए बेल्ट के साथ स्टिच कर देंगे।
ये डायरेक्शन ऑफ प्लीट्स आप देख लीजिए किस तरह से ले रही हूँ मैं। फिर कॉर्नर तक सेम डायरेक्शन रखेंगे हम प्लीट्स की। फिर ये जो साइड पार्ट आ जाएगा जहाँ कॉर्नर अटैच है वहाँ से डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे हम प्लीट्स की। ऐसे डायरेक्शन चेंज कर देनी है प्लीट्स की और फिर बैक पार्ट के मिड तक इसी तरह से स्टिच करनी है सभी प्लीट्स। फिर बैक पार्ट के मिड से वापस प्लीट्स की डायरेक्शन को चेंज कर देना है अपोजिट। ये फ्रंट पार्ट का मिड और जो सीट वाली स्टिचिंग थी वो ले ली है मैंने, देखिए। अब यहाँ से प्लीट्स डालना हम स्टार्ट करेंगे। आप इसी तरह से प्लीट्स डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग में हमें इस डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, देखिए। इसी डायरेक्शन में प्लीट्स डालते जाइए और स्टिच करते जाइए। और प्लीट्स डालते हुए मैंने वीडियो क्रॉप करके आगे पीछे नहीं किया है, इसमें जैसे मैंने प्लीट्स डालती गई हूँ मैं उसी तरह से ये वीडियो शूट किया है। ये देखिए, सभी प्लीट्स सेम डायरेक्शन में डाल दीजिए। जो साइड वाला पार्ट आएगा कॉर्नर का वहाँ तक एक ही डायरेक्शन रखनी है। ये इस कॉर्नर के साइड वाले पॉइंट तक हमने सेम डायरेक्शन रख ली है, ये देखिए। अब हम कॉर्नर तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देनी है प्लीट्स की। ये अपोजिट कर दी है मैंने डायरेक्शन, देखिए। और अब इस डायरेक्शन में डालते जाइए, ऐसे प्लीट्स डाल के स्टिच करते जाइए। ये सभी प्लीट स्टिच हो चुकी है बैक पार्ट के मिड पार्ट तक। ये देखिए, बैक पार्ट का मिड पार्ट आ गया है सीट वाला। अब यहाँ से वापस चेंज कर देनी है प्लीट्स की डायरेक्शन को। अब हम इस तरह से डालेंगे प्लीट्स और इसी तरह से प्लीट्स डाल के आगे भी स्टिचिंग कर देनी है। ऐसे प्लीट्स डालते जाइए और स्टिच करते जाइए। ये हम कॉर्नर के साइड वाले पॉइंट तक पहुंच गए हैं, देखिए। अब यहाँ से हमें वापस डायरेक्शन चेंज कर देनी है प्लीट्स की। अब हम इस साइड डालेंगे और सभी प्लीट्स को अब इसी तरफ डालते जाइए। और अब ये फ्रंट पार्ट का मिड पॉइंट भी आ गया है, देखिए। सभी प्लीट स्टिच हो चुकी है। सभी प्लीट स्टिच हो चुकी है बेल्ट पे, देखिए। अब बेल्ट पे लेंथ वाइज 2 इंच पे मार्क करना है और फिर यहाँ फोल्ड करके और स्टिच कर देना है बेल्ट को।
ऐसे स्टिचिंग कर देनी है। बेल्ट की लेंथ 2 इंच रखते हुए, ये बेल्ट की लेंथ 2 इंच रखते हुए स्टिचिंग कर ली है मैंने। अब 1 इंच विड्थ का एक इलास्टिक लेना है। लेंथ वाइज हम 29 इंच ले रहे हैं 32 इंच वेस्ट साइज़ के लिए। अब इस इलास्टिक को बेल्ट में इंसर्ट कर देना है। इलास्टिक बेल्ट में इंसर्ट कर दिया है, अब इसके एंड्स को स्टिच कर देना है और फिर इस होल को भी स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग ये इलास्टिक स्टिच हो चुका है, देखिए। और अब यहाँ भी स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग फाइनल लुक ऑफ धोती पैंट। एंड गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये धोती पैंट कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइज़।